जय श्री राम दोस्तों, समाधान प्लस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चूहों के संबंध में कुछ शकुन और अपशकुन बताने जा रहे हैं। गणेश जी को बुद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। उनका वाहन चूहा है और जिस प्रकार किसी भी वस्तु को चूहा कुतर कुतर कर उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है, उसी प्रकार हमें भी बुद्धि के प्रभाव से जीवन की सभी समस्याओं को अलग अलग कर विश्लेषण करना चाहिए, जिससे कि सत्य और ज्ञान तक सही तरीके से पहुंचा जा सके। बात करते हैं काले चूहे की। यदि घर में काले चूहे एकदम काफी अधिक हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई सदस्य किसी गंभीर बीमारी की गिरफ्त में आ सकता है। इसलिए काले चूहों को भगाने के कोई ना कोई उपाय जरूर करें। और दोस्तों, जब घर में चूहे लकड़ी के फर्नीचर को कुतरना शुरू कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में कोई बुरी घटना हो सकती है या कोई दुखद समाचार मिल सकता है। यदि किसी घर में कोई छोटा बच्चा है और उस बच्चे का दूध का दांत गिरने पर चूहे ले जाएं और विल में डाल दें तो समझ लेना चाहिए कि बच्चे के दांत जीवन भर मजबूत रहेंगे। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि यदि किसी जहाज से चूहे भागने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कोई दुर्घटना होने वाली है। हो सकता है जहाज पानी में भी डूब जाए, तो तुरंत वहां से निकलें। तो दोस्तों, ये ऐसे छोटी-छोटी बातें हैं जिनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। और यदि आप इसी तरह की और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे समाधान प्लस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको इस वीडियो से कुछ भी अच्छा लगे या फिर कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, आप हमें ट्विटर और Google+ पर फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और अन्य वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। और अब मिलेंगे दोस्तों इसी तरह की जानकारी लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।